हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम आपको टेलीकिट सिरप के बारे में रिव्यू देने वाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि यह किस तरह यूज की जाती है और किस किस को लेनी चाहिए, किस किस को नहीं लेनी चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है, और यह कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। और आज हम आपको इसके बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। मेडिसिन से रिलेटेड इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर बनी रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड, यह सिरप आपको मार्केट में 120 ml की बोतल में किसी भी मेडिकल पर आपको मिल जाएगी, और यह इसकी MRP है 95 रुपये। इसकी MRP 95 रुपये है। तो फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसकी यूज के बारे में देखते हैं, इसे कौन कौन यूज कर सकता है और किस लिए यूज होती है। तो फ्रेंड, यह स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही असरदार सिरप है। जैसे कि स्किन इन्फेक्शन होता है, दाँत खाज खुजली, जो भी स्किन रेडनेस होती है, इचिंग प्रॉब्लम होती है, जैसे भी फोड़ा फुंसी हो जाता है, जो भी है, आपको इसे उस स्थिति में आप इसे यूज कर सकते हैं। यह आपको 120 ml की बोतल में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इसे यूज करने से पहले आप थोड़ा इसे हिला लें, जिससे कि यह दवाई अच्छी तरह मिल जाए। तो फ्रेंड, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, यह बहुत ही असरदार सिरप है। तो फ्रेंड, चलो बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यह कितनी मात्रा में किस किस को लेनी चाहिए। तो बच्चों में यह सिरप 5 ml सुबह शाम दी जाती है, और यह बड़ों में यह सिरप 10 ml सुबह शाम दी जाती है। तो यह आपको मार्केट में सिरप फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में, दोनों में आपको मिलेगी। आप जैसे भी इसको लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपको एडल्ट के लिए लेना है तो आप इसे कैप्सूल फॉर्म में लें, जिसका डोज फिक्स रहता है। और अगर इसे बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे सिरप फॉर्म में लें, जिससे आप इसका डोज कम बढ़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और करें, आप इसे यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड, आज बात करते हैं चलो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड, जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे देखने को नहीं मिला है। यह एकदम नेचुरली है और यह बहुत ही अच्छी है, आयुर्वेदिक है। तो इसका ख़ास तौर पर इसमें जो भी कंटेंट मिले हैं वो सारे आयुर्वेदिक हैं। जैसे कि इसमें आपको देख रहा होगा त्रिफला, निम्बा, जो भी है, जितने भी आपको इसमें कंटेंट मिले हैं वो सारे आयुर्वेदिक हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जहाँ तक देखने को मिला है। तो फ्रेंड, चलो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए, आप इसी प्रकार की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बनी रही हमारी यूट्यूब चैनल पर। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।